हेलो, ये है वेव ऑप्टिक्स का और इसमें भी हम डिफ्रेक्शन कर रहे हैं और डिफ्रेक्शन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो करना स्टार्ट करते हैं डिफ्रेक्शन के हम न्यूमेरिकल्स। तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग यूज नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस है, गिव्स येलो लाइन लैम्डा दे रखा है। येलो लाइन के लिए तो ये वाई वाई लैम्डा वाई भी लिख सकते हैं या वाई लैम्डा वन भी लिख सकते हैं। इन सर्टेन ऑर्डर सुपर इम्पोज ऑन ब्लू लाइन। ब्लू लाइन पे सुपर इम्पोज हो रही है लैम्डा टू पे ऑफ नेक्स्ट हायर ऑर्डर। तो अगर इसका ऑर्डर एन है तो इसका ऑर्डर एन प्लस वन होगा। इफ द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन इज 60 डिग्री, तो दोनों के लिए थीटा दे रखा है। कैलकुलेट द ग्रेटिंग एलिमेंट, ई प्लस डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैक्सिमा की कंडीशन आपको पता ही है। ई प्लस डी रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, फिलहाल दिखेगा नहीं, नहीं तो है ना। ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। येलो लाइन लैम्डा है 6000, एंगस्ट्रॉम थीटा है 60 डिग्री, और ई प्लस डी साइन 60 इक्वल टू प्लस माइनस एन 600। इक्वेशन वन ऐसे ही आप ब्लू लाइन के लिए कर लेंगे, एन प्लस वन हो जाएगा इसका ऑर्डर। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक जगह दिखा रहे हैं, एक दूसरे पे इम्पोज हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हैं, तो ये दोनों कंडीशन इक्वल हैं। इक्वेशन वन इक्वल टू इक्वेशन टू इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करा तो एन 6000 इक्वल टू एन प्लस वन 4800 एंगस्ट्रॉम। इस 4800 एंगस्ट्रॉम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, इसको माइनस कर लेंगे तो 1200 के करीब आएगा। ये 4 आ गया, तो यानी कि जो ऑर्डर है वो हमें 4 दिख रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर है। अब इस 4 की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, ई प्लस डी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन 1, ई प्लस डी इक्वल टू 27,713 एंगस्ट्रॉम। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग यूज इट नॉर्मल इंसिडेंस, गिव अ ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन दिया है, लैम्डा वन कह देती हूँ, 5400 एंगस्ट्रॉम, इन सर्टेन ऑर्डर सुपर इम्पोज ऑन वायलेट लाइन, तो लैम्डा टू दिया है, ऑफ नेक्स्ट हायर ऑर्डर। सेम उसी तरीके का है ये, अगर nth ऑर्डर है तो ये n प्लस वन ऑर्डर है। इफ द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 30 थीटा दिया है, हाउ मेनी लाइंस पर सेंटीमीटर भी पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो दोनों कलर्स के लिए आप मैक्सिमा की कंडीशन लिख लेंगे, ई प्लस साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो एक बार ग्रीन लाइन के लिए लिख देंगे और एक बार आप वॉयलेट लाइन के लिए लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को सुपर इम्पोज कर रहे हो तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आप ऑर्डर एन कैलकुलेट कर लेंगे, एन कितना आ जाएगा, एन यहाँ पे कैलकुलेट करके 3 आ गया। किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, तो इक्वेशन वन में आपने वैल्यू पुट करा। तो अभी तक जो हम कर रहे हैं यहाँ तक प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ई प्लस डी की वैल्यू आ गई, दिस ई प्लस डी इक्वल टू 32,400 एंगस्ट्रॉम। लाइंस पर सेंटीमीटर बोल रहा है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज किया, हमें लाइंस पर सेंटीमीटर पूछ रहा है तो पहले हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया। फिर नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर इक्वल टू 1/e+d है ना, तो इसको 1/e+d कर देंगे, तो 1/e+d इक्वल टू 1/3.2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो लाइंस पर सेंटीमीटर है 3086, तो एक सेंटीमीटर में जो लाइंस ड्रॉ हुई भी हैं वो 3086 ड्रॉ हुई भी हैं। व्हाट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा विल बी एब्सेंट इफ द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑप्सिसिटी ऑफ ग्रेटिंग आर इक्वल। इस क्वेश्चन में देखो ऐसा ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि क्या गिवन है, तो इसमें सिंपल बोला है ई इक्वल टू डी है और ई इक्वल टू डी दिया है और आपको एब्सेंट स्पेक्ट्रा और मिसिंग ऑर्डर का मैंने कंडीशन अभी प्रीवियस में भी बताया था, ई प्लस डी अपॉन ई इक्वल टू एन अपॉन एम। तो ई और डी इक्वल दिया है तो एन इक्वल टू 2m हो जाता है, तो यानी कि सेकेंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और सिक्स ऑर्डर विल बी मिस्ड और वुड बी मिस्ड। ये रिजॉल्विंग पावर का क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिलहाल रिजॉल्विंग पावर का एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। ठीक है, अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैज 15,000
lines per inch, find the resolving power of grating and the smaller wavelength difference that can be resolved with the light of the wavelength 6000 angstrom in second order. तो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं. लाइंस पर इंच दिया है, n गिवन है, रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट करना है मतलब r कैलकुलेट करना है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है मतलब d लैम्डा कैलकुलेट करना है. कैन बी रिजॉल्व विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया है लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम इन सेकंड ऑर्डर, तो n इक्वल टू 2 दिया है. तो रिजॉल्विंग पावर में आपको रिजॉल्विंग पावर याद हो तो लैम्डा अपॉन d लैम्डा इक्वल टू nn होता है. तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज गिवन बाय लैम्डा अपॉन d लैम्डा इक्वल टू nn. तो पहले nn से रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट कर लेंगे. तो रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 2 into 15000 तो 30000 आ गया रिजॉल्विंग पावर. फिर वो d लैम्डा पूछ रहा है तो लैम्डा अपॉन d लैम्डा जो है भी रिजॉल्विंग पावर है. 30,000 इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा रख लेंगे तो यहाँ से डी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 6,000 अपॉन 30,000. तो डी लैम्डा की वैल्यू आ रही है 0.2 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, सिंपल सा है, आर इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा और एन एन. तो एन एन से रिजॉल्विंग पावर निकालिए, इसके इक्वल रखिए, डी लैम्डा कैलकुलेट कर ली, दोनों चीजें इससे आ जाएंगी. तो सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एन स्लिट के फॉर्मूले याद रखिएगा, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला याद रखिएगा. तो डिफ्रेक्शन के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, मिनिमा पूछेगा, मैक्सिमा पूछेगा, स्लिट विड्थ पूछेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. ये फॉर्मूले याद रखिए और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो. फर्दर और कोई वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो. मेरी तो अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि अगर टाइम मिले तो मैं वीडियो बना लूं, लेकिन आप जब तक इसको शेयर नहीं करेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाता है बनाने का वीडियो. चलिए, हैव अ नाइस डे.